वार्ड क्रमांक 12 में मुल्लापुरा चौराहे पर कांग्रेस के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। वार्ड क्रमांक 12 से कांग्रेस प्रत्याशी छोटेलाल मंडलोई के नेतृत्व में मुल्लापुरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया शामिल हुए। विशेष अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल, उज्जैन शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महेश सोनी, उज्जैन शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक यादव, उज्जैन युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी जी शामिल हुए और फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंडी उपाध्यक्ष विक्रम पटेल ने की। आभार उज्जैन जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष जीवन सिंह पटेल ने माना। इस अवसर पर तोलाराम पटेल, गजेंद्र सिंह सेंगर, रामेश्वर पटेल, सुनील बंसल, करण सिंह पटेल, प्रमोद चौबे, जानू चौधरी, इस्माइल पहलवान, सत्यनारायण चौधरी आदि लोग शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित रहे। जब जब बुलाया हुआ छोटेलाल को, जब जब आया भाई साहब, उस पूरी ताकत से आया। ऐसा जमीनी आदमी आज आपके बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लिया है हमने। मेरा सभी यहाँ पे जितने भी मेरे वार्ड के वरिष्ठ जन बेटे, माताएं, बहने, छोटे भाई लोग, मेरा आपसे गुजारिश है कि आपको छोटेलाल मंडलोई को कंधे से कंधा मिला के साथ देना है। वो पूरी ताकत से इनको जिता के नगर निगम में पहुँचा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हक की लड़ाई छोटेलाल मंडलोई लड़ेगा। आपके आपके क्षेत्र के लोगों को आपसे कहीं संकेत न होना पड़े, जबकि आपने देखा है कि और हमारे जो साथी और हमारी जो पार्टियों ने जो उम्मीदवार खड़े करे हैं उनका किस तरह से तरीके हैं, वो किस तरह के लोग हैं, हमें उनसे ज़्यादा परवाह नहीं करते हुए केवल आपसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि एक ऐसा अवसर आया है जिसमें आपके बीच कार्य करने वाला आपका छोटा भाई, आपका साथी, आपके बीच निर्वाचित होकर जाने वाला है। मेरा आपसे यही सर्वोच्च निवेदन है कि आप उसके हाथ मजबूत करते हुए आज के पंजे पर मोहर लगाएं और आज सभी उपस्थित जो भी साथी